नमस्कार दर्शक बंधु, आमर विदग्ध चिंतामणि कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। यही कार्यक्रम आम सहित अच्छा ओडिशार स्वनामधन्या कंठशिल्पी सुश्री शैलभमा महापात्र एवं अच्छा श्रीजुक्त रवींद्र महापात्र। पूर्व अध्याय रे आमे विदग्ध कवि अभिमन्यु सामंत सिंघारंकर विरचित विदग्ध चिंतामणिर द्वादश छंद आलोचना करिथिले। आज आमे सस्वर पाठ सहित व्याख्या शुणा त्रयोदश छंदर। साधव सुण हे माधव दूति करी प्रेक्षण कातर होइण उत्तर कले सखंक पुण सते कि मित हो मोते कि बस हे वराधिका किसीब मोसीब आसीब सर्वसुखी तुतिका हसीब एते कि भासीब दया कला किशोरी रहीब पराण दहीब नाही हर पकारी रसिला नाही से भासिला जेबे आसी संसारी जीव तो बाहरी जीव तो क्षण नरसी करी। अति अपूर्व कथा, जगतर जे स्रष्टा जहार भ्रुभंगी मात्र के कोटि कोटि विश्व सृष्टि हुए, जे सकल कमनीय तार विग्रह सुंदर तम पुरुष, से आज राधा राणी को पाइबा पाई केते व्याकुल। कवि अभिमन्यु सामंत सिंघार कहुछंती, साधव हे सुण माधव दूती करी प्रेषण, दूती को पठाई देले किंतु मन भितरे तांकर स्थिरता नाही, उच्छन्न होउछि मन, दंडे स्थिर होउनी, केतेबेले दूतिका फेरी आसीबो कामसेनी कहिबो जे राधा राजी हेले, कातर होइन उत्तर कले सखाकु पुण, अति कातर रे सखाकु कौन कहउछन्ती, हे मित हे सखा सते बस हेबो राधिका, राधा कौन सतरे आम प्रस्ताव रे मो कथा रे राजी हबो, मो प्रति अनुकूल हबो, ताहले मोर शिव दिशिव, शिव माने मंगल, राधा राजी हेले मोर मंगल, राधा राजी नहले सकल अमंगल हेजीव, मोर जीवन विपन्न हेजीव, सर्वशुभरे दूतिका आसीब एवं हसीब, आसिकी भासीब कौन कहिव, दया कला किशोरी। ए शब्द को आपण ध्यान दियंतु, दया कला किशोरी, दूतिका यह कहिव, राजी हेला कहिवनी, बस हेला कहिवनी, कहिव किशोरी दया कला, ताहले रहिव प्राण, ताहले मो प्राण रहिजीव, दहिव नाही हर भगारी, हर माने शिव, शिवंकर भगारी कंदर्प मोर हृदय को आउ दग्धीभूत करिव नाही, रसिला नाही से भासिला जेबे आसी संचारी, जदि संचारी बा दूति आसी कहिदेव ना ना से रसिला नाही, अर्थात आपणंक कथा शुणी सेथिरे कौनसी सम्मति सूचक इंगित मध्य प्रकाश कला नहीं, ताहले जीवत बाहरी जीवत ये देहरु जीव प्राण बाहरी जीव क्षणे मात्र रहिव नहीं सखा। स्मर सिंधु हृदय पड़ा दिनु मो कर्ण गते बहुत पड़ी बहुत विधुर बदन विधुर स्वेद कंप जनन दम्भरे कृष्ण आरम्भरे सिद्धे मान्य प्रकाशी करी की बुद्धि धरी केही धैर्य विवेक धैर्य सहित विवेक शब्द को मध्य संयुक्त करा जाइछि किए धैर्य धरी पारिबो जार विवेक थिबो विवेचना कौन
ବିବେକ ମାନେ ବିବେଚନା, ବିବେଚନା ମାନେ କ'ଣ ନା ଦୂତି ଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେରିବ, କିଛି ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଶୁଭ ସୂଚନା ଅନୁକୂଳ ସୂଚନା ନେଇ ଫେରିବ। କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମରିବି ତା ଲାଗି ତରିବି ସ୍ମର ସିନ୍ଧୁ ପାତକ, ଯଦି ଦୂତି ବିଳମ୍ବ କଲା ନ ଆସିଲା ଅଥବା ସେ ମୋତେ ନ ରସିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଜୀବନ ହାରିଦେବି। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ସ୍ମର ସିନ୍ଧୁ ପାତକ ଇଏ କନ୍ଦର୍ପ ସମୁଦ୍ର, ପାପ ସମୁଦ୍ରକୁ ମୁଁ ତରିଯିବି। କନ୍ଦର୍ପ ହେଉଛି ପାପ, କନ୍ଦର୍ପ ସିନ୍ଧୁ ହେଉଛି ପାପ, କନ୍ଦର୍ପରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ କମନୀୟ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ରାଧାଙ୍କୁ ଆଧାର କରି। ନିରାଧାର ହେଇନାହାନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ରାଧା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଧାର। କହୁଛନ୍ତି ମୋହନା ନାମ କି ମୋହ ନା ନ ରଖିବ ଜଗତେ, ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ମୋହନା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ମୋହନ କରେ, ତେଣୁ ମୋତେ ମନମୋହନିଆ ବା ମୋହନା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ମୋହନା ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ମୋହନା, ଏଇ ମୋହନା ମୋହନା କ'ଣ ଜଗତରେ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ କି? ପଡ଼ିଲା ହୃଦୟ ପଡ଼ିଲା ଦିନୁ ମୋ କର୍ଣ୍ଣପଥେ, କର୍ଣ୍ଣପଥରେ ଯେତେବେଳେ ରାଧା ନାମ ପଡ଼ିଗଲା ସେଦିନରୁ ମୋ ହୃଦୟ ଖାଲି ପୋଡ଼ି ଜଳି ଯାଉଛି। କହୁତ ଏପରି ବହୁତ ଦଶା ଅବଶେ ଛନ୍ନ, ଏହିପରି କହୁ କହୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦଶା, ଯେଉଁ ପ୍ରେମର ବିରହର ଦଶା, ଦଶମ ଦଶା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଦଶା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଅବଶ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କଲା ଦେହକୁ। ବିଧୁର ବଦନ ବିଧୁର ସ୍ୱେଦ କମ୍ପ ଜନନ, ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ୱେଦ କମ୍ପ ରୋମାଞ୍ଚ ସ୍ୱରଭଙ୍ଗ ବୈବର୍ଣ୍ଣ୍ୟ ଅଶ୍ରୁ ପ୍ରଳୟ, ଇଏ ଯେଉଁ ଆଠଟି ଦଶା ହୁଏ ବିରହରେ, ସେଇ ବିରହର ଦଶା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ବିଧୁର ବଦନ ବିଧୁର ମାନେ, ବିଧୁର ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଦେଖାଯାଉଛି, ଅପ୍ରସନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି। ବଦନ ବିଧୁ ମାନେ ମୁଖଚନ୍ଦ୍ର ବିଧୁର ହେଇଗଲା, ମଳିନ ହେଇଗଲା। ସ୍ୱେଦ ଝାଳ ବହିଲା, କମ୍ପ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅବସ ବେଳରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାନ୍ଦିପନୀଙ୍କର ମାତା ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନର ସମସ୍ତ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଜଗତର, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହକାରିଣୀ ବା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସଂଯୋଗକାରିଣୀ, ସିଏ ଦମ୍ଭରେ କୃଷ୍ଣ ଆରମ୍ଭରେ ଶୀଘ୍ର ମାନ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନରେ ଦମ୍ଭ ଆସିଗଲା, ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭରେ ବହୁ ମାନ୍ୟ ମାନ୍ୟ ଦେଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ବିପଦ ବେଳେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜନ୍ତି, ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଲୋକର କୁଟା ଖଣ୍ଡି ଆଶ୍ରୟ ହେଲା ପରି ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣବାସୀ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। କ୍ଷେମକୁ ବାଞ୍ଛି ସେ ଶ୍ୟାମକୁ ମନ୍ଦ ହାସେ ବୋଇଲେ, ମଦନ ରାଜନ କଦନ ପରାୟେ ତ ମଣି, ନାଗରିକେ ଗୋପ ନଗରୀ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଖି, ଶୁଣିମ ଯେ ନାମ ମଣିମ ସେ ତ ଅମୃତ ବଟ, ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଦେବୀ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାନ୍ଦିପନୀଙ୍କର ମାତା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ମା, ଜେଜେମା ସ୍ଥାନୀୟା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମନ କଥା କହିହେବ। ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆସନ ଦେଇଛନ୍ତି ବସିବା ପାଇଁ, ବହୁମାନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର କ୍ଷେମ କଲ୍ୟାଣ ମଙ୍ଗଳ ବାଞ୍ଛା କରି ମନ୍ଦହାସରେ ହସି ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆହେ ଶ୍ୟାମ ଆଜି ତୁମର ସରସ ସୁନ୍ଦର ବଦନ କାହିଁକି ନିରସ ଦେଖାଯାଉଛି, ନିରସ ବଦନ ସାରସ ମୁଖ ପଦ୍ମ, ସାରସ ମାନେ ପଦ୍ମ, ବଦନ ସାରସ ମୁଖ ପଦ୍ମ ଆଜି ନିରସ କାହିଁକି, କି ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି କି? ମଦନ ରାଜନ କଦନ ପରାୟତ ମଣି, ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ କହୁଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମଦନ ରାଜନ କନ୍ଦର୍ପ ରାଜା କିଛି କ୍ଲେଶ ଦେଉଛି, କିଛି କଷ୍ଟ କରୁଛି, କିଛି ଫୁଲସର ମାରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲସର ବାଧା ଲାଗିଛି କି ଦେହରେ, କାହାରେ ମନକୁ ବିହାରେ ଅଛ କିହୋ ବଳାଇ, ଆହୋ କୃଷ୍ଣ
ए मन को कहाँ ठारे बळै देइछ बिहार रे खेळु खेळु का संगरे मन लागि जाइछ कि अथवा बिहार निमित्त बा श्रृंगार संग निमित्त का सहित मन को बळै देइछ कि आउ ये गोप नगरी मध्य रे केऊ नागरी अछि जिए तुम्हको देखि थय हेइ रहि पारिबो तुम्ह सौंदर्य को देखि न रसिबो नागरी के गोप नगरी मध्य तुम्हको देखि बरिला नाही से पारिला केही जीवन रखी हे रमणी जीवन गोपी जीवन तुम्हें गोपींकर प्राण तुम्हें तुमको देखि किए बरिला नाही एवं प्राण रखी पारिला कहले ता नाटा एमिति किए अछि शुणब जे नाम मणिब से तो अमृतवत केवल तुम नाम कृष्ण को जी श्रवण कर से तो अमृत पान कर आनंद अधीर हो भांग गौरव लगभग अनंगभूत ता गर्व भांगिज एवं अनंगभूत कंदर्प भूत से कंदर्प बाणरे आतुर किंतु ये कंदर्प शब्द व्यवहार करना कवि लेखिंट अनंगभूत अनंग माने अंग बाहर अर्थात विदेह जी हूँ अप्राकृत अतीन्द्रिय प्रेम नैसर्गिक प्रेम से कथा लेखिंट पूर्णमासी कहते किए से अंगना जहाँ को अनंगभूत न लगला तुम नाम श्रवण कर किए से अंगना तुमको देखी वरण नकला जो अंगना पाई तुम्हें ये आतुर शंकरी हे बाकु शंकरी रमा हे बे आतुरी राजोरी गोविंद व्याजोरी कोले प्रति उत्तर महत होइण कहत हे बकी भांगी बार रति प्रचार सुरती रीति सुनिली आजी गोकुल चाकर गोकुल व्याधि भंत हे बारे नीरस बहुत हरस नाही सेही चिंता रे पूर्णमासी श्रीकृष्णंकर मन को सुंदर भाव विश्लेषण करुछंती हृदय भितर तांकर चिंता को बाहर करने को चेष्टा करुछंती मनर गोपनीय प्रेमर कथा रहस्यमय कथा गुप्त मन कथा जानिबा को चाहुछंती एवं कही चालिछंती केऊ गुआरी गुआरी माने गुआली बा गोप कामिनी किए दंभ रखी पारिबो जे देखिबो तुमको नाम सुनिले तो अधर्ज हे जीवो अनंगभूत लागिजीवो आउ देखिले केही संभाली पारिबे नाही किंकरी हेबाकु शंकरी रमा हेबे आतुरी अपूर्व प्रेममय भाषा शंकरी माने शिवंक घरणी पार्वती रमा होचंती साक्षात लक्ष्मी से मध्य कृष्ण को देखिले आतुरा हे जिबे कृष्ण प्रेम रे अधीरा हे जिबे एठी कवि कहिबाकु चाहुचंती समग्र ब्रह्मांड कृष्ण प्रेम रे द्रवीभूत हे पारे लाजरे गोविंद ब्याजरे कले प्रतिउत्तर ब्याज माने छळ गोविंद सीधा सड़ख मन कथा कही पारे ना लाज लगला कारण कैशोर अवस्था रे लाज टिके मन भितर बसा बांधे लाजरे गोविंद ब्याजरे कले प्रति उत्तर महत होइण कहत हेब कि भांगिबार ये कंदर्पर गर्व को भांगिब महत लोकंकर गर्व भांगिजीव मोते देखी ये कथा आउ कहना महत लोकर गर्व भांगिबा उचित नुहे तार गर्व थाउ किंतु आज गोटे कथा मुणवा पाइली कंदर्प किपरी एवं तार दर्प किपरी हे आज आज मान जेजीमा पीरति प्रचार सुरती रीति शुणिली आज गोटे प्रीति बोली कौन अच्छी सुरती बोली कौन अच्छी ये कथा गोपरे आज प्रचार होवार मो कान रे बाजी जाइछि एवं समग्र गोकुल व्याकुल होइछंती व्याधिवंत होइछंती एहिपरि एक चिंतारे बीरस बहुत हरस नाही सही चिंतार आज गोकुल कंदर्पर आक्रमण होंदर्प आज धाप दे गोकुल को आई चिंताटा मो मुंडे बेसी घारी जाइए आज
सुनिले मन्त भणिले पुणी श्री पूर्णमासी नकर भावना निकर अछि गो शास्त्र राशि गोवर्धन कु गोवर्धन मल्ल विद्या पाइछि आइसे तुम्हर जाइसे खाको मागो हे किछि आस तहि थिले आस त मोह संगते आज दैब कलानी पाइब तुम्हें छिला सत्य हुदरे गोविंद हुदरे लाभ अछि बिचारी निघरे छि मल्ल न दरे बिछि कले सिहारी गोविंदंक मुखरु कंदर्पर प्रकोप वार्ता श्रवण करी पूर्णमासी कहुछन्ति किछि भावना कर नहीं एथिपाई अनेक शास्त्र रे अनेक उपचार निर्दिष्ट होइछि शास्त्र सम्मत उपचार एवं शास्त्र रे वर्णित राधा कृष्ण प्रेमर प्रचार मध्य अतीत रे थिला पूर्वरु मध्य द्वापर थिला जुगे जुगे द्वापर रे राधा कृष्ण प्रेम अनुष्ठित हुए वृंदावन रे गोप नगर रे सेतिपाई कहिले भावना नकर शास्त्र राशि अछंती एवं गोवर्धन मल्ल एक विद्या लाभ करिछि से गोवर्धन करिवो अर्थात गोपालन करिवो तेणु कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं वैश्य होइथुआरु से गोपालन करिवो एवं भाई से तुम्हर जाई से ठाकू माग हे किछि गोवर्धन मल्ल हिसाब रे तुमर त सही गोपाल हिसाब रे भाई सेठी जाई किछि आशा कर किछि माग जदि आस अछि जदि सेथिरे आशा अछि मन भितरे किछि कामना अछि ताले मो संगरे आस दैव जोग हलाणी तुम्हर इच्छित कार्य इच्छा बा इच्छा करथिबा कार्य बा इच्छिला कार्य तुमे निश्चित पाइब कृष्ण आनंदित होइगले कृष्ण कहिले कौन पूर्णमासी बुझिले कौन कृष्ण कहिले परोक्ष रे ब्याज रे लाज रे किंतु पूर्णमासी बुझिले सज रे ठीक भाव रे बुझिले तेणु मुदरे गोविंद हृदय लाभ अछि विचारी गोविंद विचार कले आनंद मन रे हृदय रे विचार कले जे निश्चित लाभ अछि तेणु बेगरे जे मल्ल नगरे विजय कले श्रीहरि गोवर्धन मल्ल नगरी को श्रीहरि श्रीकृष्ण विजय करुछन्ति सुबल कहणी के बल पूर्ण मासिया बर चलिले बहन मिलिले जाई मल्ल नगर आसिलारु भाई दिसिला मोर सकल भल बिछारी तक पछारिला से समस्त शुभ रसाई पुछिला बसाई चंद्रावली वल्लभ रंजाई मनकु भुंजाई दिव्य सामग्री मान सुमन बसन सुमन होई देला बहन गोवर्धन मल्ल हेउचंती चंद्रावळींकर कांत चंद्रावळी वल्लभ तांको पुरकु तांको नगरकु श्रीकृष्णचंद्र देवी पूर्णमासी एवं सांगरे अछंती केवल सुबल नामक सखा सुबल गहणे केवल पूर्णमासी आबर चलिले बहन मिलिले जाई मल्ल नगर मल्ल नगर रे पहुंची गले देखिला क्षणी गोवर्धन मल्ल लेखिला इष्ट इष्ट परी मोर अभीष्ट अथवा इष्ट देवता आसीगले बोली मने कला गोवर्धन मल्ल कौन कहिला हिसाब रे कृष्णंकर भाई हबो कहिला आसिलारु भाई दिसिला मोर सकल भल तुमे आसिलारु मोर सबु भल देखागला सबु सुंदर होइगला शुभ कल्याण मंगल होइगला बिचारी जतेक पचारिला से समस्त शुभ गोवर्धन मल्ल कुशल प्रश्न करिछन्ति कौन सब भल अच्छी त आउ रसाई पुछिला बसाई बसैला आसन देला पाद्य देला गोड़ धोवाक देला पूर्णमासी को
कृष्ण को एवं चंद्रावली वल्लभ पचारा सेमती पचारि ना प्रश्न पचार पूर्व जन को धमक पचरा जापे जन को एमती प्रश्न पचरा जापे किंतु मन को रंजे प्रश्न करवा एक स्वतंत्र कौशल रंजाई मन को भुंजाई दिव्य सामग्री मान दिव्य सामग्री विविध प्रकार सुस्वादु सुमिष्ट पदार्थ भोजन पाई दे मन को रंजाई आउ कौन देले सुमन बसन सुमन होई देला बहन सुमन होई सुमन रे प्रसन्न मन रे सुख मन रे किछि पुष्प किछि वस्त्र प्रदान करी तांको आनंदित करी उत्ताल करी जेपरि से निजर मन कथा पूर्ण भाव रे स्वच्छंद भाव रे व्यक्त करी पारिबे सेई परि भाव रे चेष्टा कले गोवर्धन मल्ल कहिला मल्ल जे रहिला एबे बळ नंदर घरे तो बसिले सरे तो भाई अचल निधि उपाय न कले के पाए काही को संपत्ति आदर अबा न आदर कहु अछि भलता कथा को पतिले कथा को सुनी हसी श्री हरि हासो को प्रकाशी भासो को पूर्णमासी रुचारी गोवर्धन मल्ल कृष्ण को चाहि कहउछंती जे एबे नंद राजांकर बळ बढ़िला तुमको पाई तुम परि पुओ को पाई किंतु कौन करुछ जे दिन हेले कंस राजा को भेट करूना नहले कंस राजा केते बेले क्षुब्ध हव रुष्ट हव रागिव घरे तो बसिले सरे तो भाई अचल निधि घरे जदि बसी रहिव किछि काम करिवनी राजांकर कौनसी दायित्व निर्वाह कले राजा निश्चित भावरे बहु धनरत्न देबे दरमा देबे ता सहित उपहार मध्य प्रदान करिवे आ उपाय नकरी के पाए कहीं कौ संप्रधि संप्रधि माने समृद्धि जदि उपाय न करिव ताहले समृद्धि हब ना उन्नति हब ना आदर अबा न आदर कहु अच्छी भलत तुम्हें मो कथा को आदर कर किंबा अनादर कर आदर न कर किंतु मु जहा कहूँ तुम भलपाई कौच भेद रखी छुकी सोदर हे भाई मनरे किसी भेदभाव अच्छी कि सान तु ही मोर तो मोर सान भाई ना तेणु तो मन कथा ठीक भाव कहीदे मथा को पोतिले कथा को सुनी हसी श्रीहरि श्रीहरि भगवान श्रीकृष्ण गोवर्धन मल्ल कथा शुणी कृष्ण मथा पोति देले लाजरे जहाँ कहवाक चाहती ता तो कहीपरिवे ना आए तो कथा है कंस राजा को भेट करार कथा मन भितर जो व्यथा कंदरपर व्यथा ताकू न शुणी गोवर्धन मल्ल एपरी कहते पूर्णमासी मझीरे हस्तक्षेप कले इंटरभेन कले कौन कले हास को प्रकाशी भाष को पूर्णमासी उच्चारी हसी हसी पूर्णमासी कहते आज तो समय हो जाए कार्यक्रम को ये रखुचु अवशिष्टांश आगामी अध्याय आज विदाय दिंतु नमस्कार। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।